आज का टॉपिक कौन सा अपना? पंचांग, दिन दर्शिका। यहाँ पे बच्चों, हर एग्जाम में, कोई भी एग्जाम हो, प्रत्येक एग्जाम में एक से दो प्रश्न पूछे जाते हैं। सबसे इजी टॉपिक है, ठीक है? अगर कैलेंडर के बेसिक कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हुए तो ये समझ के चलो आप अगले साल ना अपना खुद का कैलेंडर छाप लोगे, ठीक है? तो कैलेंडर छापने की तैयारी में हो जाओ सब लोग। यहाँ पे बच्चों कैलेंडर है ना, इसमें क्या करेंगे, कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो गए ना, पूरा टॉपिक क्लियर हो जाएगा। ये बेटा यहाँ पे ध्यान दे पीयूष, ठीक है? तो ये जो पंचांग है ना, ये कैलेंडर है। कैलेंडर के बारे में अगर बात करें तो सबसे पहले हम लोग वर्ष के बारे में सोचते हैं। कौन से वर्ष के बारे में, ठीक है? अगर किसी ने आपको तारीख देखने के लिए भी कहा तो सबसे पहले वर्ष देखोगे, नहीं तो पता चला 2012 का कैलेंडर पड़ा है और 2024 में देख रहे हो, चलेगा क्या ऐसा? तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है बच्चों, सबसे पहले वर्ष देखते हैं। अगर कैलेंडर देखें तो वर्ष, वर्ष के बाद क्या आता है, उसके अंदर महीने आते हैं, महीने के बाद क्या आता है, सप्ताह आता है, और सप्ताह के बाद क्या होता है, दिन, ठीक है? तो यहाँ पे जो हम लोग देखने वाले दिन, सप्ताह, महीने और वर्ष, इन चार चीजों के बारे में ना एनालिसिस करने वाले या फिर सीखने वाले। तो सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए कि जो एक वर्ष होता है बेटा, एक वर्ष में कितने महीने होते हैं? 12 महीने होते हैं, बराबर है? जो 12 महीने स्टार्ट होते हैं वो इंग्लिश में होते हैं, जनवरी से लगा के दिसंबर तक, बराबर है? इसके बाद अगर हिंदी में देखेंगे या फिर मराठी में देखेंगे तो मराठी महीने होते चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, बराबर है? इस तरीके से 12 महीने होते हैं, लेकिन हमें जो पढ़ना है वो इंग्लिश जो महीने होते हैं जनवरी से दिसंबर तक, वही पढ़ने हैं, ठीक है? अब ये बताओ, एक वर्ष में 12 महीने पता चले, एक महीने में दिन कितने होते हैं, एक महीने में सप्ताह कितने होते हैं, बताओ? एक महीने में सप्ताह कितने होते हैं? सप्ताह बेटा, सप्ताह कितने होते हैं? 4 सप्ताह होते हैं। कितने सप्ताह होते हैं? 4 सप्ताह। और एक महीने में दिन कितने होते हैं? एक महीने में अगर दिन बच्चों देखेंगे ना, तो दिन हो सकता है वो 28 दिनों का महीना हो सकता है 29 दिनों का महीना हो सकता है 30 दिनों का महीना हो सकता है 31 दिनों का महीना हो। मतलब आपका जो महीना होता है वो चार प्रकार का होता है, दिनों के आधार पर। किसके आधार पर? दिनों के आधार पर चार प्रकार का होता है, वो होता है 28 दिनों का, 29 दिनों का, 30 दिनों का और 31 दिनों का। बेटा क्लियर हुआ? इसके बाद देखेंगे एक दिन में कितने घंटे होते हैं, कितने घंटे होते हैं? 24 घंटे हम लोग काउंट करते हैं, लेकिन एग्जैक्टली ये होते हैं आपके 23 घंटे 56 मिनट के। कितने? 23 घंटे 56 मिनट के। लेकिन हम लोग जो काउंट करेंगे वो एग्जैक्टली जो हमारे वॉच में दिया रहता है वो कितने दिए रहते हैं? 24 घंटे ही करना है आपको, ठीक है बच्चों? इतनी चीजें क्लियर हुई, ठीक है? फटाफट लिखो इसको। देखो अभी आपने देखा सबसे पहले ऊपर इसमें क्या लिखा हुआ है बच्चों, वर्ष लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? वर्ष। तो वर्ष के बारे में थोड़ी सी जानकारी हम लोग लेंगे बेटा। जो वर्ष होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं ये मुझे बता दो। वर्ष जो होते हैं बच्चों दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? वर्ष दो प्रकार के होते हैं। एक तो आपका होता है सादा वर्ष और दूसरा क्या होता है? लीप वर्ष होता है। अब सादा वर्ष और लीप वर्ष में अंतर क्या होता है बच्चों? सादा वर्ष और लीप वर्ष का आपको अंतर पता होना चाहिए। क्या होता है पता है? जो सादा वर्ष होता है बच्चों, सादा वर्ष, सादे वर्ष में कितने दिन होते हैं? कितने? 365 दिन। और जो लीप वर्ष होता है इसमें क्या होता है? 366 दिन। अब जो बच्चों एक दिन एक्स्ट्रा हो गया ना, वो कहाँ से आता है पता है आपको? एक दिन एक्स्ट्रा कहाँ से आता है? अभी आपने इसके पहले देखा था, जो आपका एक दिन होता है 23 घंटे 56 मिनट का होता है, जो 4 4 मिनट जो बचते हैं ना बच्चों, यही 3 साल के बाद जो चौथा वर्ष आता है वो कंपाउंड हो जाता है, वो एक दिन कंप्लीट फ्रेम होता है। क्या होता है? एक दिन कंप्लीट बनता है। उससे लीप वर्ष में क्या होता है, जो फरवरी का महीना आता है वो 29वां दिन बढ़ जाता है। कौन सा बढ़ता है? 29वां दिन, जिसकी वजह से लीप वर्ष में डायरेक्ट 366 दिन हो जाते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे अगर बच्चों बात करेंगे ना, देखो लीप वर्ष में क्या, सादे वर्ष में क्या होता है, जो फरवरी महीना होता है, क्या होता है? फरवरी महीना। फरवरी कितने दिनों का होता है? 28 दिनों का। और यहाँ पे क्या होता है? फरवरी, फरवरी 29 दिनों का होता है। कहाँ पर? लीप वर्ष में बेटा। कहाँ पर? लीप वर्ष में 29 दिनों का फरवरी महीना होता है, ठीक है? अगर हम लोग बात करें, आपने देखा था पहले कि एक वर्ष में 12 महीने होते, कितने? 12 महीने, क्लियर है? अब ये बताओ एक वर्ष में जो 365 दिन होते, इसमें सप्ताह कितने होते हैं और दिन कितना होता है? मतलब एक वर्ष में सप्ताह कितने होते हैं? एक हफ्ता में बेटा, जो एक वर्ष रहता है ना, एक वर्ष में ना 52 हफ्ते और एक दिन एक्स्ट्रा आता है। अब ये कहाँ से आया बच्चों बताओ? देखो अगर 365 दिन आपको पता है कि एक वर्ष में 365 दिन होते हैं और एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं, कितने होते हैं? एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं। 4 सप्ताह लिखा है लेकिन एक सप्ताह नहीं लिखा यहाँ पे। एक सप्ताह बराबर होता है आपका 7 दिन। कितने दिन? 7 दिन।
बेटा जब आप ना 365 को डिवाइड करते हो 7 से, कितने से 7 से, तो ये ना पूरे पूरे 52 बार में कटता है और एक बार एक बच जाता है। इसका मतलब वहां पे 52 हफ्ते होते हैं और एक दिन एक्स्ट्रा आता है। क्लियर हुआ? जब यहाँ पे 366 को आप डिवाइड करते हो 7 से, यानी कि हफ्ते से, तो क्या होगा कि यहाँ पे 52 हफ्ते बचते हैं और 2 दिन बच जाते हैं एक्स्ट्रा के। अब ये 2 दिन का रोल क्या है हम लोग वो देखेंगे। अब नॉर्मली बच्चों यहाँ पे देखेंगे तो आपको मैं करके बता देता हूँ। देखो 365 को जब आप 7 से डिवाइड करोगे तो 7 बचे 35, कितने बचे, एक बचेगा, ओके एक बचा। यहाँ पे 15, 7 दुनी 14, कितने बचे, एक बचे। मतलब यहाँ पे ये 52 हफ्ते हो गए और एक दिन एक्स्ट्रा बचा। तो वही लिखा आपने कि सादे वर्ष में 52 हफ्ते और एक दिन एक्स्ट्रा होता है। लीप वर्ष में अगर देखेंगे बच्चों तो वहां पे 52 हफ्ते और 2 दिन एक्स्ट्रा होता है। इसका मतलब क्या होता है, इसमें 2 पॉइंट और ध्यान में रखो बच्चों। जो सादा वर्ष आता है, सादे वर्ष में क्या होता है कि प्रथम दिन क्या होता है, प्रथम दिन और अंतिम दिन, समान होता है। ठीक है बच्चों, इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे क्या होता है, जो सातवां वर्ष आता है बच्चों, पहला दिन और अंतिम दिन क्या होता है, समान होता है। क्या होता है, समान। अगर किसी सादे वर्ष में 1 जनवरी को अगर सोमवार दिया है तो उसी वर्ष के 31 दिसंबर को भी क्या होगा, सोमवार ही होगा। क्लियर हुआ? क्या होगा, सोमवार ही होगा। ये बच्चों पॉइंट क्लियर हुआ, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लिखना, कई बार सीधे सीधे सवाल आते हैं कि 1 जनवरी 2005 को अगर सोमवार दिया है तो 31 दिसंबर 2005 को क्या होगा, वर्ष समान है। ठीक है, पहला दिन और अंतिम दिन पूछा तो डायरेक्टली उसका उत्तर वही हो जाएगा। क्लियर हुआ? इसके बाद बच्चों यहाँ पे देखेंगे जो लीप वर्ष आता है, लीप वर्ष में पहला दिन और आखिरी दिन समान होता है क्या, एक दिन आगे जाता है। क्या जाता है, एक दिन आगे जाता है। तो ये बात पॉइंट लिखने की जरूरत नहीं है, ये बात ध्यान में रखना। जो लीप वर्ष होता है उसमें पहला दिन और आखिरी दिन ये समान नहीं होता है, पहले दिन से आखिरी दिन एक दिन आगे होता है, पहले दिन से आखिरी दिन एक दिन आगे होता है। क्लियर हो बच्चों? चलो लिखो ये पॉइंट फटाक से। बच्चों इतना समझ में आ गया? अभी देखो यहाँ पे साधा वर्ष और लीप वर्ष जो आपने देखा, इसमें एक चीज और देखना है। अभी यहाँ पे जो वर्ष आपने दो प्रकार के देख लिए कि एक तो होता है आपका साधा वर्ष और दूसरा कौन सा होता है, लीप वर्ष। अब ये लीप वर्ष और साधा वर्ष पहचानेंगे कैसे बच्चों? साधा वर्ष और लीप वर्ष आपको क्या करना है, फाइंड करना है। सीधे सीधे सवाल आता है कि नीचे दिए गए ऑप्शन में से कौन सा वर्ष लीप वर्ष या साधा वर्ष, ऐसे पूछा जाता है। तो बच्चों ये बात ध्यान रखना, लीप वर्ष और साधा वर्ष पहचानने के लिए क्या करना, दो तरीके के प्रश्न पूछा जाते हैं इसमें। सबसे पहले कि जिस वर्ष को 4 से भाग जाएगा, क्या जाएगा, जिस वर्ष को 4 से भाग जाता है वो कौन सा होता है, लीप वर्ष, और इसे 4 से भाग नहीं जाएगा तो साधा वर्ष। ठीक है, मतलब साधे वर्ष में 4 से भाग नहीं जाता, ओके, और लीप वर्ष में क्या होता है, 4 से भाग जाता है। ठीक है, ये पहला पॉइंट। अभी यहाँ पे चलो एग्जाम्पल के तौर पे अगर हमने वर्ष देखे, यहाँ पे सवाल लिखा है 1942, लीप वर्ष है या साधा वर्ष, ये बताओ मुझे, लीप वर्ष है या साधा वर्ष है। पहली बात, 4 से भाग देने का मतलब 4 की कसौटी पता होनी चाहिए। 4 की कसौटी मतलब अंतिम 2 अंकों को 4 से भाग देना है, पूरी संख्या को भाग देने का नहीं, सिर्फ क्या करना, लास्ट के 2 डिजिट होते हैं ना उनको 4 से डिवाइड करके देखना। 4 से अगर पूरी पूरी संख्या कट जाएगी, इसका मतलब क्या हो जाएगा, लीप वर्ष हो जाएगा। बेटा देखो, 4 4 कट गया, ये 2 बच गया, लेकिन 2 बच रहा है ना, तो मतलब भाग नहीं जाएगा। तो ये कौन सा वर्ष है, साधा वर्ष है बेटा। अब क्लियर हुआ? जैसे कि लिखा है 2005, ये लीप वर्ष है कि साधा वर्ष है, कौन सा वर्ष है, क्या करेंगे हम, लास्ट के 2 डिजिट लेंगे यहाँ पे 05, 05 को जब 4 से भाग दोगे तो एक बार में जाएगा, 4 एकम 4, कितना बच जाएगा, 1। मतलब ये वर्ष भी कौन सा है, साधा वर्ष है बेटा। ठीक है, इसके बाद लिखा आपने 2016, साधा वर्ष या लीप वर्ष है, लीप वर्ष है बेटा। पता है क्यों, क्योंकि यहाँ पे लास्ट के 2 डिजिट देखे 16 है और 16 4 के पहाड़े में आता है, 4 चौक 16, कट गया, तो ये कौन सा आ गया, लीप वर्ष। इसमें कोई प्रॉब्लम, पक्का? अब इसमें ना 2 नंबर का पॉइंट लिखेंगे बच्चों, यहाँ पे 2 नंबर का पॉइंट, 2 नंबर का पॉइंट ये दिया है। ये तो ठीक है, ये साधे वर्ष है, लेकिन कभी कभी शताब्दी वर्ष आते, क्या आते, शताब्दी वर्ष, शतक वर्ष मानता है अपन, क्या है, शतक वर्ष, यानी कि सेंचुरी ईयर्स। जब सेंचुरी ईयर्स होंगे तो बच्चों उनको 400 से भाग देंगे, किसे, 400 से। या फिर आप दूसरा पॉइंट लिख सकते हो कि शुरुआत के 2 अंकों में, क्या करेंगे, शुरुआत के 2 अंकों में। तो नॉर्मली लिखो, जिन शताब्दी वर्ष में
400 से भाग जाएगा, किससे? 400 से भाग नहीं जाएगा, वो कौन से हो जाएंगे? सादे वर्ष। और जिसमें 400 से भाग जाएगा वो कौन से हो जाएंगे बेटा? लीप वर्ष हो जाएंगे। इतना क्लियर हुआ? आप कैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग देखेंगे। सवाल नंबर एक देखो, इसमें देखेंगे अगर ये लिखा है वर्ष 1700, ये लीप वर्ष या सादा वर्ष है? लीप वर्ष या सादा वर्ष। क्या करेंगे? 400 से भाग देंगे। 400 से भाग देने का मतलब पहले दो जीरो खत्म हो गए। 400 से भाग देंगे तो पहले के दो जीरो क्या हो गए? ये खत्म हो गए। 4 चौक 16, एक बच रहा है, भाग जा रहा है क्या? नहीं। इसका मतलब ये कौन सा वर्ष हो गया? सादा वर्ष। इसके बाद देखेंगे दो नंबर का सवाल, इसमें लिखा है 2400, 400 से भाग जाएगा बच्चों। देखो दो जीरो कट गए, 4 चंग 24, मतलब ये कौन सा आ गया? लीप वर्ष आ गया। चलो लिखो ये। यहां तक बच्चों देखेंगे तो अब हम लोग थोड़ा सा सवालों की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे सवाल देखो बच्चों, अभी यहाँ पे क्या होता है, कुछ दिनों के बाद। अभी यहाँ पे आपने वर्ष जो देखे वो दो प्रकार के थे। कितने प्रकार के? दो प्रकार के। क्या था? सादा, और दूसरा क्या था? लीप, लीप वर्ष। ठीक है, सादे वर्ष में हफ्ते कितने थे? 52, और दिन कितने एक्स्ट्रा थे? एक। ठीक है ये। और यहाँ पे लीप में क्या था? 52 हफ्ते और कितने दिन एक्स्ट्रा थे? 2 दिन एक्स्ट्रा थे। तो इसके बेस पे अभी सवाल सॉल्व करेंगे बच्चों। देखो यहाँ पे क्या होता है, आपको पता चला जो सादा वर्ष होता है पहला दिन और अंतिम दिन क्या होता है? समान होता है। लीप वर्ष में पहला दिन और अंतिम दिन समान होता नहीं है। यहाँ पे बच्चों जब सादे वर्ष में वर्ष चेंज होता है, क्या होता है? वर्ष चेंज होता है, वर्ष बदलता है, तब एक दिन आगे जाना होता है। कितना? एक दिन आगे जाना होता है। जैसे कि सवाल देखेंगे हम लोग बच्चों, यहाँ पे सवाल लिखा है यदि 1 जनवरी, यदि 1 जनवरी 2003 को सोमवार दिया है। क्या दिया है? सोमवार। तो 1 जनवरी 2004 को क्या होगा बच्चों? क्या होगा? मंगलवार। इसका मतलब ये वर्ष आपने पूरा कंप्लीट किया, मतलब 52 हफ्ते कंप्लीट हो गए एक वर्ष में। जो एक दिन एक्स्ट्रा बचाना, वो दिन क्या करना है आपको? आगे जाना है। क्या करना है? आगे जाना है। मतलब 2003 को सोमवार था, तो आपको पता है कि 1 दिसंबर 2003 को ही सोमवार होगा, बराबर। क्या? क्योंकि प्रथम दिन और अंतिम दिन क्या होता है? समान होता है। अभी अगले दिन गए, अगले दिन के मतलब एक दिन बढ़ जाएगा, ये सुनो। तो यहाँ पे क्या करेंगे, वर्ष चेंज हुआ मतलब एक दिन यहाँ पे प्लस कर लेंगे, तो सोमवार में एक ऐड किए तो क्या आता है? मंगलवार। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? मंगलवार। क्लियर हो बच्चों सबको? पक्का? अभी यहाँ पे देखो, उसी तरीके से अगर लीप वर्ष के बारे में हम लोग देखेंगे, सवाल लिखा है यदि 1 जनवरी ओए 2004 को मंगलवार है, क्या है? मंगलवार। तो 1 जनवरी 2005 को क्या होगा? क्या होगा बच्चों? गुरुवार। क्या करते? देखो सबसे पहली बात, जो लीप वर्ष आता है, ठीक है, लीप वर्ष जब बदलता है तो कितने दिन आगे जाना होता है? 2 दिन, क्योंकि 52 हफ्ते कंप्लीट है, ठीक है, और 2 दिन जो एक्स्ट्रा बच रहे हैं वही आगे जाना होता है। यहाँ पर भी आपने क्या किया, जो आपका सादा वर्ष था 52 हफ्ते कंप्लीट हो रहे, एक दिन एक्स्ट्रा आ रहा था ना, वही आपने यहाँ पे ऐड किया था, बराबर। क्या? यहाँ पे कितने दिन एक्स्ट्रा बच रहे हैं? 2 दिन बच रहे हैं, तो यहाँ पे क्या करेंगे? 2 ऐड करेंगे। अतः मंगलवार के बाद दूसरा दिन कौन सा आता है? बुधवार, गुरुवार। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? गुरुवार। क्लियर हो बच्चों? कोई प्रॉब्लम इसमें? क्योंकि इसके बेस पे हम लोग सवाल देखेंगे। चलो लिख लो इसको फटाफट। अगला सवाल देखो बच्चों, इसका आंसर देने की कोशिश करना फटाफट, ठीक है। सवाल लिखा है 1 जनवरी 2005 को मंगलवार दिया है। क्या दिया है? मंगलवार। तो 1 जनवरी 2009 को क्या होगा? देखो बच्चों, इस प्रकार के सवाल आएंगे तो सबसे पहले क्या करना, देखो यहाँ पे तारीख समान है, ए बेटा इकड़े पाए, इकड़े पाए। इसके बाद महीना समान है, वर्ष समान है, क्या वर्ष चेंज हुए? तो सबसे पहले क्या करना, वर्षों का अंतर करना। क्या करना? वर्षों का अंतर, डिफरेंस निकालना। तो ये बताओ 9 में से 5 के कितने बचेंगे? 4। मतलब 4 दिन अपने को आगे जाना, ये सुनो।
बराबर है क्या? कितने दिन आगे जाएंगे? 4 दिन आगे जाना है। एक वर्ष का 1 दिन आगे जाना है, दूसरे वर्ष का 2 दिन आगे जाना है, तीसरे वर्ष का 1 दिन और आगे जाना है। तो इस तरीके से 4 वर्ष आगे जाना है, मतलब 4 दिन आगे जाएंगे। लेकिन 2005 से 2009 के बीच में लीप वर्ष है क्या बच्चों? एक पॉइंट और ध्यान में रखो कि जो लीप वर्ष आता है हर 4 वर्षों के बाद आता है। कितना? 3 वर्षों के बाद चौथा वर्ष हमेशा क्या होता है? लीप वर्ष होता है। तो 2005 में अगर 4 से भाग दिया आपने, 2005 में अगर 4 से भाग दिया तो कितने बचते? 1 बचते, मतलब लीप वर्ष के बाद वाला वर्ष है। सिंपल सी बात है, ठीक है? मतलब इसके पहले 2004 क्या था? लीप वर्ष था। तो 2004 के बाद अगला लीप वर्ष कब आएगा? 2008। तो यहाँ पे बच्चों देखेंगे ना, 2008 एक लीप वर्ष है। कौन सा? 2008, ये कौन सा है? लीप वर्ष। तो लीप वर्ष का ना 1 दिन एक्स्ट्रा ऐड कर लेंगे लीप वर्ष का, तो कितने दिन आगे जाएंगे बच्चों? 5 दिन आगे जाना है। जब आप मंगलवार में 5 दिन ऐड करोगे, मंगलवार में जब 5 दिन ऐड करोगे तो मंगलवार के बाद क्या आएगा? देखो, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार। इसका आंसर क्या आएगा? रविवार। रविवार इसका बेटा आंसर आएगा। क्लियर हुआ? लिख लो, 5 फरवरी 1972 रविवार दिलाया का है, रविवार दिया है। तो 5 फरवरी 2003 को क्या होगा? चलो निकालो, यहाँ पे ध्यान दो, जिसका नहीं आया ध्यान देगा। यहाँ पे देखो बच्चों, यहाँ पे तारीख समान है, वर्ष महीना भी समान है, वर्ष अलग अलग है। तो क्या करेंगे? इनका डिफरेंस निकालो, मतलब इनका अंतर निकालेंगे। 2003 में से 1972 माइनस करो, कितना आया? कितना? 31 आ रहा है। पक्का 31? मतलब 31 दिन आपको तो आगे जाना, ये तो फिक्स हो गया है। 31 डेज आपको आगे जाना है, ये फिक्स हो गया है। इसके बाद बच्चों देखेंगे ये 31 दिनों में लीप वर्ष कितने हैं, ठीक है? इस वर्ष में लीप वर्ष कितने हैं? तो लीप वर्ष निकालने के 2 तरीके रहते हैं बच्चों। देखो, सबसे पहला तो आप क्या करेंगे कि 1972 एक लीप वर्ष है, बराबर है? 4 से भाग जा रहा है, देखो 4 एकम 4, 3 बचे 4 8 32। 1972 के बाद कौन सा आएगा? 76। उसके बाद, इसके बाद, इसके बाद, इसके बाद, इसके बाद, इसके बाद 2000, और इसके बाद 2003 आया। लेकिन 2003 तो है नहीं, 2004 है। तो इस तरीके से देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये क्या गए? 8 लीप वर्ष आए। बराबर बच्चों, ये 8 लीप वर्ष और ऐड करेंगे इसमें। इसका मतलब क्या करना है आपको? 31 और 8, 39 दिन आगे जाना है। बराबर बच्चों, अब 39 दिन आगे जाने का मतलब ये बच्चों कि आप एक एक दिन काउंट करेंगे क्या? नहीं। अब यहाँ पे सप्ताह का मेथड देखो बच्चों, आपको पता है एक सप्ताह, एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं? 7 दिन होते हैं। मतलब बच्चों 7 दिन के बाद जो 8वां दिन आता है वही रिपीट होने वाला है, बराबर के नहीं? देखो, सोमवार से स्टार्ट करते हो, रविवार तक जाओगे, 7 दिन हो गए। 8वां दिन जब वापस आएगा वो क्या आएगा? सोमवार आएगा। इसका मतलब जितने भी दिन आएंगे बेटा उसको 7 से डिवाइड करना है। कितने से? 7 से डिवाइड करना है। 7 से डिवाइड करने के बाद जितने बचेंगे उतने दिन आपको सिर्फ आगे जाना है। समझ में आया? तो यहाँ पे 39 दिन काउंट करने से अच्छा है क्या करो कि 39 को डिवाइड करो कितने से? 7 से। 7 बचे 35, कितने बचेंगे? 4। जो 4 बचेंगे ना शेष, वही आपको आगे जाना है। कितने दिन आगे जाना है आपको? 4 दिन आगे जाना है। इसका मतलब रविवार में अगर 4 आप ऐड करते हो तो आपको आंसर मिल जाएगा, जो कि होगा सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार। क्या आएगा? गुरुवार। बेटा आया था गुरुवार सबका? कितने लोगों का गुरुवार आ गया था? आ गया था। लड़कियां सारी गायब हो गई। वेरी गुड। यहाँ पे ध्यान दो बच्चों, दूसरा मेथड और बताता हूँ लीप वर्ष निकालने का। आप देखो यहाँ पे इस तरीके से काउंट कर लिया, ठीक है? इसके बाद अब लीप वर्ष निकालना है, 31 दिनों में कितने आएंगे, है ना? कैसे निकालेंगे? दूसरा मेथड पता है आपको, 4 4 वर्षों में आता है। क्या है मेथड बताओ जरा? 4 से डिवाइड कर लो। क्या करेंगे? 4 से डिवाइड कर लो। आपको पता है यहाँ पे कि 31 31 वर्ष डायरेक्टली, कितने? 31 वर्ष।
अगर 4 से डिवाइड करोगे तो 4 सत्ते 28, मतलब आपको पता है 4 वर्षों के बाद रिपोर्ट्स आता है, तो इसको ही ना 4 से डिवाइड करो, आपको रिपोर्ट्स मिल जाएंगे। लेकिन पहला वाला, पहला 72 दिया है, तो इसलिए एक्स्ट्रा ऐड करेंगे तो कितने हो जाएंगे 8, 4 8 32। देखो यहाँ पे तो 31 आ रहा है, लेकिन पहला लीप वर्स दिया इसलिए एक और ऐड करेंगे तो 4 8 32 कितने वर्ष हो गए, 8 लीप वर्स हो गए। तो नॉर्मली क्या करना है बच्चों कि 4 से डिवाइड करके भी आपको आंसर मिल जाएगा, या फिर डायरेक्टली इस तरीके से लीप वर्स निकाल सकते हो। क्लियर हुआ? अगला सवाल देखो। 1 मार्च 1997 शुक्रवार दिया है, तो 5 मार्च 2017 को क्या होगा? यहाँ पे ध्यान दो, ये बेटा यहाँ पे ध्यान दो। देखो बच्चों यहाँ पे 1 मार्च है और यहाँ पे 5 मार्च है, महीना तो समान है लेकिन तारीख समान है क्या? अब 1 तारीख से 5 तारीख मतलब कितने दिन आगे गए? 4 दिन, मतलब यहाँ पे तारीख का भी डिफरेंस निकाल लो, यहाँ पे 4 दिन आगे जाना है आपको। इसके बाद यहाँ पे माइनस कर लो, 2017 में से 1997 घटाए तो 20, कितना आएगा 20 दिन यहाँ पे आगे जाना है। क्लियर है? अब लीप वर्स कितने आ रहे बच्चों? 5। देखो यहाँ पे 20 दिन है, 4 से डिवाइड करोगे 4 5 20, या फिर आपको पता है 2000 लीप वर्स है, इसके बाद 2004, 2008, 2012 और 2016, कितने लीप वर्स आ गए? 5 लीप वर्स है बेटा। तो यहाँ पे ये 5 और एक्स्ट्रा हो गए, देखो तो टोटल अपने को कितने दिन आगे जाना है पता है? ये 4 दिन, ये 20 दिन और ये 5 दिन, कितने दिन आगे जाना है? 29 दिन। ये टोटल अपन करेंगे, जब ये सब जब ऐड करेंगे तब अपने को कितने, 20 नहीं, कितना, 4 20 और 5, 29 दिन आगे जाना है। कितना? अब 29 दिन तो हम लोग आगे जाने वाले नहीं है, कितने से डिवाइड करेंगे? इसको 7 से डिवाइड कर लो, 7 से डिवाइड करोगे तो 7 चौक 28, 7 चौक 28 कितने बचेंगे? कितना बचेगा? मतलब एक दिन आपको सिर्फ आगे जाना है बेटा, सिर्फ एक दिन, मतलब शुक्रवार में 1 ऐड करेंगे तो आंसर क्या आ गया आपका? शनिवार कितने लोगों का आया था? शनिवार, वेरी गुड वेरी गुड। ठीक है करो। जनवरी 85, 20 दिन। यहाँ पे जब बेटा माइनस करेंगे कितना आएगा यहाँ पे? कितना? यहाँ पे 22 दिन। इसके बाद लीप वर्स कितना है? कितना आ रहा है? 5 लीप वर्स आ रहा है, 5 दिन एक्स्ट्रा। देखो यहाँ पे क्या आएगा, 85 तो लीप वर्स है नहीं, क्या दिया है 88, इसके बाद 92, इसके बाद, इसके बाद, इसके बाद 4, बस क्या, 1 2 3 4 5 लीप वर्स आ रहा है। कितना? 5 लीप वर्स आया। अब देखो बच्चों ये डायरेक्टली ऐड करने के अलावा शॉर्टकट मेथड एक और बताता हूँ, देखो एक मेथड शॉर्टकट और बताता हूँ। ये सबको ऐड करने के बाद 7 से डिवाइड करने से बेटर है, एक एक को 7 से डिवाइड कर लो। देखो 7 दुनी 14 कितने बचे यहाँ पे? 6, 7 3 21 कितने बचे यहाँ पे? 1, और यहाँ पे ये 5 बचे, तो 6 और 1 7 खत्म हो गया, मतलब आपको सिर्फ 5 दिन आगे जाना है। कितना? 5 दिन। जब गुरुवार में 5 ऐड करते हो, देखो गुरुवार में 5 ऐड करो या फिर 2 माइनस करो, 5 ऐड करो या 2 माइनस करो, 5 दिन आगे जाना है या तो 2 दिन पीछे आना है, ठीक है? तो क्या आ जाएगा इसका? मंगलवार। सबका आंसर आ गया मंगलवार, मंगलवार आता। अच्छा आज का सबका क्लियर है, किसी का कोई प्रॉब्लम है? पक्का? आज के लिए स्टॉप करते हैं, कल कंटिन्यू करेंगे।